टेंट में रहना मेरे लिए इतना इजी नहीं था। मैं जब वहाँ पे रहता था तो वहाँ पे ना लाइट थी ना टॉयलेट थे, वहाँ गर्मी में बहुत गर्मी होती थी, अगर बारिश हो रही है तो बहुत पानी अंदर आ जाता था। मेरे लिए इतना आसान नहीं था वहाँ पे रहना, लेकिन मेरे ध्यान में एक ही चीज़ था, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे ये सब मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए एक ही चीज़ मैटर करता है कि मैं क्रिकेट कितना अच्छा खेलूँ। सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है, मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जसवाल की है और इस वक्त जहाँ पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। अगर जायसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है, उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेज अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। जायसवाल ने अपनी गेम खेली है, जो क्लैरिटी मिली हुई है, जो प्लान है, और जैसे आईपीएल खेलता है, ये कॉन्फिडेंस और ये दलेरी। कोई ना कोई तो दम है ना, यशवी जायसवाल की यही नहीं, हर कोई तारीफे कर रहा है, हर बंदा तारीफे कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर है। क्या टैलेंट आ रहा है यार इंडिया के पास बैटिंग का, यशवी जायसवाल थी उनकी स्टोरी अगर आप पढ़े जायसवाल की, जिस तरह वो आए हम्बल बैकग्राउंड से, जो उनकी ऐसी होता है कमाल यार। वो गली कूचों में रहता था, खाता पीता था नहीं, खाने पीने कुछ था नहीं, झोपड़ियों में रहता था, ये कुछ दिनों का है तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जायसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। और जायसवाल को हम काफी कहते रहे कि वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए। बहरहाल इंडिया स्टिल वन डिस्पाइट हिम नॉट प्लेइंग, सो दिस टेल्स यू कि डेप्थ बहुत है। अब वो आज आया है, पहले उसने उधर भी रन किए जिम्बाब्वे में, इधर भी उसने एक अच्छा स्टार्ट। मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने एज एन एग्जांपल दिखाना हो तो जायसवाल है। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जायसवाल बनता है, ना कि वो साइम अयूब बनता है। अल्लाह करे कि वो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें और इस तरह की परफॉर्मेंसेस सीखे, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टार्स हैं हमारे, वो अनफॉर्चुनेटली वो अपने आप को सुपरस्टार समझते हैं और वो कई किसी किस्म की दूसरे प्लेयर को मानने के लिए तैयार नहीं होते और उससे कुछ सीखते भी नहीं। आप आज जायसवाल की बैटिंग देखो, जायसवाल का आप इंटेंट देखो। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जायसवाल एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जांपल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, यूसी जायसवाल, यंग क्रिकेटर्स में यूसी जायसवाल इस वक्त दुनियाई क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। फॉर्मेट कोई भी हो, यूसी जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तानी मीडिया यूसी जायसवाल का दीवाना हो गया है कि किस तरह एक शाप पर काम करने वाला यूसी जायसवाल भारत की तरफ से टॉप क्रिकेटर बन गया है। तो क्या कहना है टैलेंटेड और क्लासिकल जायसवाल की क्लासिकल बल्लेबाजी पर पाकिस्तानी मीडिया का? चलिए पहले आपको एक कंप्लीट रिएक्शन दिखाते हैं। थी कि साइम अयूब जायसवाल की तरह क्यों नहीं खेल सकता है, जैसे जायसवाल खुलकर खेलता है वैसे साइम खुलकर क्यों नहीं खेल सकता है? साइम को मौका देना चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, उसको उसकी एबिलिटी के मुताबिक रोकना नहीं चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए जैसे जायसवाल को दिया जाता है। तो उन लोगों को आज मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी जो वैसे कहने को तो शायद छोटी महसूस हो, लेकिन अगर उसको गौर से सुना जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक नन्ना सा लड़का जिसको मोहब्बत तो क्रिकेट से होती है, लेकिन क्रिकेट खेलने वालों से और जहां से क्रिकेट आ रही होती है वहां से भी उसको इश्क हो जाता है। जायसवाल उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाला 17 साल का लड़का, अंडर 19 खेलने वाला लड़का, क्रिकेट से मोहब्बत है, सचिन तेंदुलकर उसकी इंस्पिरेशन है और मुंबई से खेलना उसका ड्रीम है। एक ऐसा लड़का जो एबिलिटी से भरपूर है लेकिन हालात यानी जो सिचुएशन है वो उतनी फॉलो नहीं करती है फाइनेंशियली। जितने भी लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं उनको वो हसरत से देखता है, कोशिश करता है कि काश मैं भी इनकी तरह यहाँ पर खेल सकूं। बड़ी मुश्किलात के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, माँ बाप के बगैर वो अकेला रहता है और जिस जगह पर रहता है वहां पर कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है, ना एसी होता है, ना लाइट होती है, ना टॉयलेट होता है यानी वॉशरूम भी नहीं होता है। वहां पर अगर बारिश हो जाए तो पानी बहुत ज्यादा होता है, गर्मी हो तो शिद्दत की गर्मी होती है। ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद एक लड़का अपने एक ही ड्रीम को फॉलो करता है, पानी पूरी खाने के पैसे होते नहीं है जबकि पानी पूरी बेचने की भरपूर कोशिश करता है, जिन लोगों के दरमियान सेंचुरी बनाता है उन्हीं लोगों को पानी पूरी पेश करता है और डरता है कि कहीं वो मुझे देख ना ले। इन मुश्किलात के अंदर एक ही ख्वाब को फॉलो करता है कि मेरा ड्रीम, मेरी क्रिकेट, मेरा कंट्री इंडिया, मुंबई,
मुझे वहां से खेलना है और मुझे अपना एक मुकाम यानी एक लेवल बनाना है। इन तमाम मुश्किलात के बाद एक प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता यहाँ तक पहुंच जाता है। आज वो प्लेयर दुनिया का वो प्लेयर है जिस जैसा बनने का उन तमाम क्रिकेटर्स का ख्वाब है जो फैसिलिटीज से भरपूर हैं, जिन्होंने कभी मुश्किलात देखी क्या, सुना भी नहीं है उनके बारे में, जो ये जानते भी नहीं है कि प्रॉब्लम्स होती क्या हैं, एक मिडिल क्लास लड़का होता क्या है, वो किस तरह से खुद को खड़ा करता है, ख्वाब होते क्या हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली है, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ बेसबॉल क्रिकेट बना दी है इस बच्चे ने, आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है, आखिर ऐसा कौन सा कुदरत का कानून उसके साथ है। तो उन तमाम लोगों को मैं ये चंद मिनट का इंटरव्यू देखने के लिए कहूंगी जो जैसवाल ने रिकॉर्ड करवाया है। कोई बनावट नहीं, कुछ भी नहीं, सादगी से, इमोशन से भरपूर, दिल से, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल सिचुएशन, द रियल टाइम सिचुएशन, तो उसमें एक चीज हमेशा डोमिनेट करती है और वो होती है आपकी पास्ट में मुश्किलात। आप स्टेप बाय स्टेप जिन मुश्किलात से गुजर कर, जो जमाने की, दुनिया की मार खाकर आप जिस मुकाम पर पहुंचते हो, उस मुकाम पर गाड़ियों में, लग्जरीज में आने वाले लोग कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो खुदारा अपने आप को वहां पर मत कंपेयर करें, क्योंकि ये चीजें अर्न की जाती हैं, इन चीजों के लिए वक्त दरकार होता है, बचपन कुर्बान करना पड़ता है, तो उसका मुकाबला नहीं होता है। तो काइंडली ये जरूर कहें कि हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं, मगर कंपैरिजन मत करें, क्योंकि कंपैरिजन उन लोगों का होता है जो एक पेज पर होते हैं, उन लोगों का नहीं होता है जिन्होंने सफ़े फाड़ कर खुद को किसी मुकाम पर खड़ा किया होता है। सो लॉट्स ऑफ लव फॉर यशस्वी जैसवाल, एंड ही इज द प्राउड ऑफ द होल वर्ल्ड बिकॉज ही हैड सेट एन एग्जाम्पल कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी इंसान दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर उसके ख्वाब बड़े होते हैं, अगर उसकी कोशिश बड़ी होती है, तो उसको कोई किसी मुकाम पर पहुंचने से रोक नहीं सकता है। सो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखा है, मैंने रोनाल्डो को भी देखा है, मैंने बाबर आजम को भी देखा है, मैंने बहुत लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन जो एक दर्द, जो एक कुर्ब, जो एक मोहब्बत, जो इश्क का लेवल और जो एक सिचुएशन जैसवाल की है और इस वक्त जहां पर वो आज मौजूद है और जो सादगी उसके अंदर है, वो ये बताती है कि ख्वाब से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और ख्वाब तभी पूरे होते हैं जब आप कोशिश करते हैं। इंडिया में एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो टैलेंट को अहमियत देते हैं। हमारी कमबख्ती, हमारा अलमिया ये है कि हम टैलेंट को अहमियत नहीं देते हैं। हम क्लास को वैल्यू करते हैं, हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीजों को वैल्यू करते हैं, हम वहां जाकर नहीं देखते हैं जहां पर गलियों में, कोनों में ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो बगैर जूतों के क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनको देखने लग जाएं, अगर हम उनको सामने लेकर आए, तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट भी किसी मुकाम पर पहुंचे और कोई उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन हम लोग लग्जरीज को फॉलो करते हैं, हम बी रियलिस्टिक, फाइंड आउट द रियल टैलेंट Like India is doing, जैसे इंडिया कर रहा है। संभाल सके, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले दो एक जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो लिमिटेड सी स्केल्स के ऊपर खेलते हैं, क्योंकि आपको आइडिया है कि एक दो ऐसे हैं इनके क्रिकेटर्स जो कि आपको सरप्राइज कर सकते हैं ऑन द डे। बैटिंग की तरफ जिस अंदाज से वो हमला करते हैं तो एक ओवरऑल पैकेज बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि जैसवाल ने अगले 10 साल इंडिया के लिए खेलना है। उसकी जो टेक्निक, उसके जो परफॉर्मेंसेस अभी तक हमने टेस्ट क्रिकेट में देखी है, वो इस तरह का टैलेंट है कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। जैसवाल ने अपनी गेम खेली है, जो क्लैरिटी मिली हुई है, जो प्लान है, और जैसे आईपीएल खेलता है, ये कॉन्फिडेंस और ये दलेरी। बैठ के कोई ना कोई तो दम मैं यशस्वी जैसवाल की, यही नहीं, हर कोई तारीफे कर रहा है, हर बंदा तारीफे कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर है। कुछ दिनों का है तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली डंके की चोट पर मैं बोलता हूँ, आर्गुमेंट कर लो कि जैसवाल इस उम्र में बाबर से 400 गुना अच्छा प्लेयर है। और जैसवाल को हम काफी कहते रहे कि वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। बहरहाल इंडिया स्टिल वन डिस्पाइट हिम नॉट प्लेइंग, सो दिस टेल्स यू कि डेप्थ बहुत है। अब वो आज आया है, पहले उसने उधर भी रन किए जिम्बाब्वे में, इधर भी उसने एक अच्छा स्टार्ट दिया। जैसवाल की, जसवाल ने आज जिस तरीके की बैटिंग की, एक्सेप्शनल टैलेंट है, जिस तरह से वो बंदा परफॉर्म कर रहा है, एक 22 साल का बच्चा, सिर्फ जैसवाल 22 साल का एक बच्चा जो है उनको छक्के चौके इस तरह से।
सरापा जसवाल की बैटिंग देखो, जसवाल का आप इंटेंट देखो, सिस्टम बड़े होते हैं वहाँ पे विराट कोहली नहीं भाई जसवाल खड़े होते हैं, जसवाल विराट कोहली इंडिया के सूरमाओं ने जो आज बोल सकता है क्या जसवाल भाई 21 साल का लड़का है, लेफ्ट हैंडेड है और बड़ा जबरदस्त टैलेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नजर आता है, प्लेयर फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर के। अब जिस तरह रोहित शर्मा जाते हैं तो उनके पास एक ऐसा ओपनर आ रहा है कि वो फ्यूचर का एक बड़ा स्टार जो है वो ईज, उसने इतनी इजी इजी सिक्सेस मारे हैं, लग रहा है कि यार उस बंदे के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, वो विराट कोहली की क्लास से। जी हाँ फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया यूसी जयसवाल की क्लासिकल बल्लेबाजी का दीवाना हो गया है। जयसवाल ने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा उसकी कहानी देखकर पाकिस्तानी एंकर जो है वह जज्बाती हो गई। उनका ये कंप्लीट रिएक्शन आपने देखा कि किस तरह एक शॉप पर काम करने वाला यूसी जयसवाल भारत की तरफ से एक टैलेंटेड क्रिकेटर बन गया है। कमिंदो मेंडिस की बात की जाए या इसके साथ साथ जो इंग्लिश यंगस्टर है हैरी ब्रोकस की बात की जाए या फिर यूसी जयसवाल की, तीनों यंगस्टर इस वक्त दुनियाई क्रिकेट पर राज कर रहे हैं और मुसलसल रन्स बना रहे हैं। यूसी जयसवाल की क्लासिकल बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो कम उम्र ही में वह 200 स्कोर कर चुके हैं और आने वाले वक्त में यकीनी तौर पर यह यंगस्टर दुनियाई क्रिकेट पर राज करेगा। तो क्या कहना था यूसी जयसवाल की इमोशनल स्टोरी पर पाकिस्तान मीडिया का, आपने भी कंप्लीट रिएक्शन देखा? कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय इस हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा।